मच्छीवाहन तमें भारतीय तट रक्षक बतावे चाहे दरिया में तूफान आए चाहे तुम्हें किनारा पंत आवी जाओ। पहले पूरब और अब पश्चिम। जी हाँ, एक तूफान ने देश के पूर्वी तट को झकझोर दिया, अब बारी पश्चिमी तट की है। इस तूफान से तीन राज्यों पर मंडरा रहा है खतरा। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा की ओर बढ़ रहा है निसर्ग तूफान। इस तूफान को सीवियर यानी तीव्र की श्रेणी में रखा गया है, जो पिछले दिनों बंगाल उड़ीसा में आए अम्फान तूफान जितना खतरनाक तो नहीं माना जा रहा है, लेकिन इसने रौद्र रूप दिखाया तो भारी तबाही मचा सकता है। अम्फान को सुपर साइक्लोन का दर्जा दिया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर और लक्षद्वीप पर जो कम दबाव का क्षेत्र बना है वो आगे बढ़ते हुए चक्रवाती तूफान में बदल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में डिप्रेशन पंजिम से 310 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, मुंबई से 570 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और सूरत से 800 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बन रहा है। ये डिप्रेशन आज दोपहर तक डीप डिप्रेशन में बदल जाएगा और मध्य पूर्वी अरब सागर में अगले 12 घंटों के दौरान चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। ये 3 जून को शाम तक महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हरिहरेश्वर और दमन के तट पर टकराएगा। बता दें कि हरिहरेश्वर शहर मुंबई और पुणे दोनों से 200 किलोमीटर की दूरी पर और दमन से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। कोरोना वायरस से जूझ रही मुंबई पर अब निसर्ग तूफान का खतरा मंडरा रहा है। निसर्ग तूफान के बुधवार को मुंबई के तट पर पहुंचने की आशंका है। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान निसर्ग 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मुंबई की ओर बढ़ रहा है। मुंबई में समंदर फिलहाल शांत नजर आ रहा है, लेकिन बुधवार को इसके विकराल रूप लेने की आशंका है। तीन जून को ये तूफान जो है समुद्री तट से टकराएगा, ऐसा अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। और यही वजह है कि सुरक्षा की तरफ से भी तैयारियां कर ली गई हैं। कई सारे इलाकों को खाली कर दिया गया है जो समुद्र तट के किनारे बसे हुए हैं। मछुआरों के लिए भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है कि वह ऐसे समय में समंदर के भीतर ना जाएं। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई तटीय इलाकों को प्रशासन ने रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। यहां पर भी लाइफगार्ड की टीम हमें तैनात दिखाई दे गई है, ताकि कोई मछुआरा या कोई आदमी अगर यहां गलती से भी आ जाए लॉकडाउन के बावजूद, तो उन्हें समंदर के भीतर जाने से रोका जा सके। एक तरफ जहां 3 जून से मुंबई के ये बीचेस मॉर्निंग वॉक और जॉगिंग के लिए शुरू हो जाएंगे, तो वहीं 3 जून के लिए ही सबसे बड़ा खतरा जो है उसका अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। अगले आने वाले कुछ घंटे इस तूफान के चलते मुंबई पर और भी ज्यादा भारी पड़ सकते हैं। खासतौर से मुंबई, ठाणे, पालघर जैसे जो तटीय इलाके हैं, वहां पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने मिल सकता है। मुंबई को निसर्ग तूफान से बचाने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF की 3 टीमें तैनात की गई हैं। मुंबई के अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में 6 टीमें भेजी गई हैं। इन टीमों को समंदर के इलाकों में तैनात किया गया है। मुंबई के अलावा पालघर में 2 और ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में 1-1 टीम तैनात की गई है। NDRF के साथ ही कोस्ट गार्ड भी पूरी तरह से तैयार हैं। कोस्ट गार्ड के जवान एयरक्राफ्ट से भी लगातार समंदर का चक्कर लगा रहे हैं और अनाउंसमेंट कर किनारे पर रहने वाले लोगों और मछुआरों को अलर्ट कर रहे हैं। मच्छीवाहन तमें भारतीय तट रक्षक बतावे चाहे दरिया में तूफान आए चाहे तुम्हें किनारा पंत आवी जाओ। केंद्र सरकार का कहना है कि सभी सावधानी बरती जा रही है और तट पर रहने वाले किसानों, मछुआरों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र का जो एरिया है उसको, कुछ एरिया को रेड अलर्ट और कुछ एरिया को ऑरेंज अलर्ट मिला हुआ है, तो हो सकता कल या परसों में महाराष्ट्र में ये आपदा आ सकती। तो इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ, तो ज़्यादा बड़ा एरिया तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता कि इसकी पूरी सावधानता इसकी बरती हुई है और सारे जो वहाँ के किसान हैं, मछुआरे जो है, पर्टिकुलर वो कोस्टल एरिया है, तो उनके लिए भी सब वार्निंग वगैरह इशू की हुए।
निसर्ग तूफान से निपटने के लिए केंद्र और महाराष्ट्र सरकार मिलकर कदम उठा रही हैं। माना जा रहा है कि मुंबई पर 129 साल बाद समंदर से खतरा मंडरा रहा है। इससे निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भी तैयारियां की है। मुंबई, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग को अलर्ट किया गया है, साथ ही साथ फिशरमैन को समुद्र में जाने से मना किया है। कल इसको लेकर सीएम उद्धव ठाकरे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग हुई थी। अमित शाह ने पूरी तरीके से तैयारियों का जायजा लिया है और साथ ही साथ आपको बता दें, जो निचले इलाके में जो लोग रहते हैं उन्हें एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो तैनात है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मुंबई के नरीमन पॉइंट इलाके में हैं, जो कि क्वीन नेकलेस नाम से जाना जाता है। जब चक्रवात का समय होगा तो ऐसे में ये जो लहरें आपको दिखाई दे रही है, ये लहरें अपने पूरी तरीके से देखा जाए तो उफान पर होगी, ये ज्यादा फिट पर पूरी तरीके से उठेंगी। और यानी कुल मिलाकर देखें तो पूरी तरीके से तैयारियां की गई है और मौसम विभाग की तरफ से 3 तारीख को जो है वो रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। महाराष्ट्र के पुनर्वसन मंत्री विजय वट्टीवार ने कहा है कि अरब सागर में आने वाले चक्रवात का असर दक्षिण अरब सागर में ज्यादा देखने को मिल सकता है। इससे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। सरकार ने सुरक्षा और एहतियात के सभी कदम उठाए हैं। हम भी लोगों से अपील करते हैं कि आप इससे डरने की बात नहीं है। ये कितने स्पीड से आएगा, इसका कितना परिणाम होगा, इसकी स्पीड क्या होगी, इसके स्पीड से नुकसान क्या होगा, किसकी हद तक ये नुकसान पहुंचाएगा, इसका सब चीजों पर, सब प्रकार पर हमारा पूरा ध्यान है और इसकी पूरी तैयारी हमने सूचना देकर की है। मौसम विभाग के साइक्लोन ई एटलस के मुताबिक 1891 के बाद पहली बार अरब सागर में महाराष्ट्र के तटीय इलाके के आसपास समुद्री तूफान की स्थिति बन रही है। इससे पहले 1948 और 1980 में 2 बार इस तरह का दबाव बना था और तूफान आने की स्थिति भी बनी थी, लेकिन बाद में स्थिति टल गई थी। निसर्ग चक्रवात को देखते हुए एनडीआरएफ की 2 टीमें रायगढ़ जिले में पहुँच गई है। हर टीम में एनडीआरएफ के 20 जवान हैं। इन टीमों को अलीबाग और श्रीवर्धन इलाके में तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचते ही समंदर के किनारे का जायजा लिया। एनडीआरएफ की 21 टीमों को महाराष्ट्र, गुजरात में तैनात किया गया है और 10 टीमों को रिजर्व में रखा गया है। सारी तैयारियां पूरी हैं। लगभग 10 और 11, 21 टीमें एनडीआरएफ की दोनों राज्यों में तैनात हैं और करीब 10 और टीमें रिजर्व में रहेंगी और साथ ही साथ पंजाब में स्टैंडबाय में 6 टीमें रहेंगी और 5 टीमें आंध्र प्रदेश में रहेंगी। तो इस तरह से तैयारी मुकम्मल है।